पूरा इंडिया ही शॉक्ड हो गया था इस केस के बाद। तो कुछ समझ ही नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या हॉरर है और क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जब हमें किसी चीज का फोबिया हो जाता है तो हम हेलुसिनेट करने लग जाते हैं। इसी का आई थिंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे भी आज तक जिसका क्लियर कट आंसर समझ में नहीं आया है, वो है दिल्ली में बुराड़ी के जो मर्डर्स हुए थे। क्या हुआ था ना कि एक रोज एक बंदे जो मतलब रोज वॉक करते थे उस फैमिली के साथ, फैमिली के घर गए सुबह सुबह और वो देखते हैं कि 10 डेड बॉडीज लटकी हुई, आंखों पे पट्टी है और मुंह पे टेप लगा हुआ है। 11वीं जो है वो बूढ़ी थी सबसे, तो वो लेटी हुई है जमीन। ये 11 के 11 लोग ऐसे मरे हुए हैं। कैसे मरे, किसने मारा, अगर किसी फैमिली वाले ने मारा है तो वो कैसे मरा। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें कुछ डायरीज मिली वहां पे, वो सबसे बड़े बेटे ललित की डायरीज थी। जो भी जैसे वो मरे है ना, पूरा लिखा हुआ है उसमें रिचुअल के, आप ये करो, आप फांसी ऐसे लगानी है, आंखें ऐसे बंद करनी है, ये पट्टी करनी है, ये सब डायरी में लिखा हुआ है। जो उनके फादर थे वो कुछ टाइम पहले मर गए थे और डायरी के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि ललित अपने फादर से बात कर रहे हैं और उनके फादर इंस्ट्रक्शंस लिखवा रहे हैं ललित को। अब वो फादर का भूत था, कौन था पता नहीं। तो क्या सबने मिलके सुसाइड करा, ये कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, या फिर जेन्युइनली कोई आत्मा थी जिससे वो बात कर रहे थे जो बचा नहीं पाए, क्या हुआ। पुलिस कहती है एक साइकोसिस डिसऑर्डर था, शेयर्ड साइकोसिस डिसऑर्डर, जो सबको पूरी फैमिली को 11 के 11 लोगों को एक साथ हो गया और 11 के 11 लोगों ने उस थ्योरी में मान लिया और सबने सुसाइड कर लिया।